देश भर में राज्य सरकार द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों या फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से अनाज का वितरण किया जाता है। इन दुकानों के जरिए हर महीने लाभार्थियों तक निशुल्क खाद्यान्न पहुंचाया जाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इन दुकानों पर उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक के द्वारा सत्यापन किया जाता है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही प्रत्येक उपभोक्ता को दिए जाने वाले राशन का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसी ही एक दुकान से राशन का लाभ लेने वाले एक लाभार्थी से। हमको इस दुकान से 3 किलो चावल मिल रहा है, 2 किलो गेहूं मिल रहा है व्यक्तिगत, वो भी मुफ्त में। इसके अलावा और हमको राज्य सरकार की ओर से 1 किलो चना, 1 किलो तुअर दाल, 1 किलो नमक मिल रहा है बस। भारतीय खाद्य निगम लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित है।